नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर कैसे जो है DL और पैन कार्ड आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे और उसके लाभ के बारे में जानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड निकालना होगा बहुत ही आसान। अब यह डॉक्यूमेंट आपको बड़ी ही आसानी से आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए अब आपको साइबर कैफे या फिर किसी भी ऑफिस का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के व्हाट्सएप यूजर के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसमें यह कहा गया है कि अब आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना DL और पैन कार्ड के साथ साथ RC को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे भी आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं या फिर आप समझने की कोशिश करें तो यह जो है एक सीधी सी बात है कि आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर होगा जिसमें आपको DigiLocker सर्विस का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद यह सुविधा आपको मिलने लगेगा। तो आइए अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE 10वीं पासिंग का सर्टिफिकेट, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसको कि हम RC कहते हैं, बीमा पॉलिसी यानी दो पहिया हो उसका 10वीं कक्षा का मार्कशीट, 12वीं कक्षा का मार्कशीट, बीमा पॉलिसी दस्तावेज, DigiLocker पर जीवन उपलब्ध यानी कि ये जो है बीमा पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। व्हाट्सएप पर ऐसे करें डाउनलोड, उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम आगे जानेंगे। आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से 9190131515 नंबर पर हेलो या फिर नमस्ते कहना है, यानी कि इस नंबर पे जो है अपने व्हाट्सएप से हेलो या फिर नमस्ते कहना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको DigiLocker अकाउंट एक्सेस करना है या फिर कोविन एक्सेस करना है, दोनों में से किसी एक के बारे में आपको जवाब देना है। ऐसे में अब DigiLocker का चयन करेंगे, यानी कि आपको जो है आप जो है DigiLocker का चयन करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिसे वहां पे दर्ज करना है या फिर फिल करना है। अब इसके बाद आप DigiLocker में अपलोड डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि यहां पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसे हमको डाउनलोड करना है। तो ये वो तरीका है, लेकिन अब समस्या ये है कि सभी लोगों के पास DigiLocker है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो हम आगे आपको बताएंगे इसके प्रोसेस के बारे में। ऐसे में अब समस्या यह है कि जिनके पास DigiLocker नहीं है वे क्या करेंगे, उनके लिए बताते हैं सबसे बेहतर उपाय। सबसे पहले आपको DigiLocker को इंस्टॉल करना होगा। इस डिजिटल बटुओं को यानी कि पर्स जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम पैसे रखते हैं या फिर कागजात रखते हैं, उसे हम बटुआ कहते हैं। तो डिजिटल बटुआ हुआ ये। तो डिजिटल बटुआ में अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना होगा। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब DigiLocker को ओपन करिए, यानी कि आपने जो DigiLocker को इंस्टॉल किया है उसे आप ओपन करिए। उस पर जो है साइनअप लिखा हुआ है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर देना होगा जिस पर OTP आएगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ गया होगा, उसे ऑप्शन में डालें। उसके बाद जो है उसे वेरीफाई करें। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर नेम पासवर्ड बन जाने के बाद आपका DigiLocker एक तरह से कह लें कि तैयार हो गया। और आप जो है आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसे आप सेव कर लें या फिर आप जो है उसे किसी कॉपी में रख लें ताकि आपको जो है भविष्य में इसकी ज़रूरत हो। अब यही जो DigiLocker आपने एक रजिस्टर किया बनाया, इसमें जो आपने मोबाइल नंबर डाला या फिर आपसे जो और आधार कार्ड वेरीफाई कराया जाएगा, तो यही जब आप व्हाट्सएप पे जाके इस मोबाइल नंबर पे ऊपर में जो दिया गया मोबाइल नंबर है उस पे जब आप हाई करेंगे या फिर नमस्ते करेंगे, यानी वो जो मोबाइल नंबर है 9013151515 पर, तब जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप DigiLocker इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर कोविन इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप DigiLocker इस्तेमाल करेंगे और आप जो है यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट साइन इन करते समय रखे थे उसी को जो है आप आसानी से व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं। कोविन जो है अभी भारत में एक तरह से कहें ज़्यादातर लोगों ने जो है कोविन को डाउनलोड कर रखा है, यानी कि उसको जो है अपने पास रखा मोबाइल में। तो ऐसे में इसको भी जो है डॉक्यूमेंट और दस्तावेज को रखने के रूप में लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ऐसे में DigiLocker के साथ आपको कोविन का भी ऐप जो है वहाँ पर मिलता है कि आप यहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना का सर्टिफिकेट है, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप जो है कोविन से एक्सेस कर सकते हैं। और DigiLocker से जो है आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वहाँ रखते हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था व्हाट्सएप से कैसे हम जो है पैन कार्ड, RC या फिर DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे जो है हम अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।